जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस होता है, काफी चीजें होती हैं, तो आपको उसको भी मैनेज करके चलना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दिस साइड अंकिता। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजी फॉर IIT एग्जाम। लाइक आपको IIT एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर IIT एग्जाम, यानी क्या एग्जाम का स्ट्रेटजी रहना चाहिए, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें आपका पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यानी आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए IIT एग्जाम का। लाइक इसमें आपका जो मार्किंग स्कीम है, या फिर आपका जो सिलेबस है, या फिर जो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें, वो आपको पता होना चाहिए। लाइक IIT में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से पूछा जाता है। इसमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस आपका इसमें इंक्लूड रहता है। सो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। नो द स्ट्रक्चर, यानी एग्जाम पैटर्न जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फेमिलाइज योर सेल्फ विद द फॉर्मेट ऑफ बोथ JEE मेंस एंड JEE एडवांस, यानी दो पेपर्स होते हैं मेंस एंड एडवांस के, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स जो है उसमें इंक्लूड होता है उसके बारे में, और उसको आपको कवर करना है। प्लस इसमें जो MCQ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, और मार्किंग स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एग्जाम की। तो फर्स्ट पॉइंट आपका था अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। सेकेंड आपका पॉइंट आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना होता है। लाइक आपको स्टडी प्लान बनाना होता है कि डेली बेसिस पे आपने क्या क्या अपने सिलेबस को कवर करना है, वीकली बेसिस पे आपको क्या क्या कवर करना है, क्या आपका शेड्यूल बनाना है। लाइक ये सारा टाइम टेबल के बारे में बात होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आता है डेली शेड्यूल, यानी डेली शेड्यूल के डेली बेसिस पे आप किस तरीके से IIT एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें आपको सब डेडिकेट स्पेसिफिक आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। बैलेंस योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, ठीक है। फिर आपका आता है लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी एक तो होता है कि आपका डेली बेसिस पे क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म गोल्स, सेट वीकली एंड मंथली गोल्स कवर द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी आपका जो टॉपिक है, लाइक आपको एक वीक में आपको लाइक टू चैप्टर्स बोथ सब्जेक्ट में से आपको मतलब क्लियर करना है, पढ़ना है, इस तरीके से आप गोल्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक वीकली एंड मंथली गोल्स हो सकते हैं जिसमें आप अपना सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट अ स्टडी प्लान होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने स्टडी प्लान बनाना है। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। जब आप IIT की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम से ज्यादा उसके जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, रेदर देन रोट मेमोराइजेशन, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट। दिस विल बी हेल्प इन सोल्विंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ओके। लाइक आपको कुछ भी चीज को बार बार बोल बोल कर याद नहीं करना है, आपको जो है उसके डीप अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझ के आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बार बार उसको रिपीट करके याद ना करें, ठीक है।
सेकंड आता है आपका टेक्स्ट बुक्स, जिसमें आपका एनसीईआरटी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, लाइक एससी वर्मा की हो गई फिजिक्स की, ओपी टंडन हो गया केमिस्ट्री, एंड आरडी शर्मा होगी आपकी मैथ्स के लिए। ठीक है, ये सारे बुक रेफरेंसेस हैं जो आप अपने स्टडी के वक्त यूज कर सकते हैं, जिसमें से एनसीईआरटी आपका सबसे मेन होता है, लाइक 11th और 12th का ही आपका पूरा सिलेबस जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का, उसी में से पूछा जाता है। तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। फोर्थ आता है आपका प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करना है। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट, टेक रेगुलरली मॉक टेस्ट टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट, यानी आप डेली बेसिस पे जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं, इसके बारे में आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इस सबके बारे में आपको पता चलता है। फिर आता है प्रीवियस पेपर्स, यानी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को आप जब उठा के देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जाता है, तो आप उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है एनालाइज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है आपको सबसे ज्यादा जरूरी। उसमें क्या होता है कि रिव्यू टेस्ट, आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपका आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट एनालाइज योर मिस्टेक, जब आप जो टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या करना है, लाइक आइडेंटिफाई वीक एरियाज और वर्क ऑन देम, ठीक है। अपने वीक एरियाज के बारे में आपको पता चलता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं, तो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। फोकस ऑन एक्यूरेसी, प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी ओवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, यानी आपको पता चलेगा कि आप लिमिटेड जो आपको टाइम मिला है उसमें आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा आपका वीक एरिया है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। सिक्स पॉइंट आता है रिवाइज रेगुलरली, रिविजन शेड्यूल, आपको अपने डेली बेसिस का जो शेड्यूल आप बनाते हैं पढ़ने के लिए, उसके अलावा आपको रिविजन शेड्यूल भी बनाना है। सेट असाइड टाइम फॉर रिवीजन ईच वीक, यूज कंसाइज नोट्स फॉर क्विक रिव्यू, यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आप एक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, लाइक आप जब उसको देखें तो आपको उससे रिलेटेड जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसके बारे में आपको याद आ जाए, आपको पता हो, क्विक रिविजन आप कर पाए, ठीक है। आपको वीक में अपने रिविजन को भी टाइम देना है। फॉर्मूला शीट, क्रिएट एंड रेगुलरली अपडेट फार्मूला शीट फॉर क्विक रेफरेंस, यानी जो भी आप फार्मूला है उसका एक शीट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप जब उसको देखें तो आपको वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएं, आपको याद आ जाए। सेवेंथ पॉइंट आता है आपका स्टे हेल्दी, जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आपको उसको भी मैनेज करके चलना है। बैलेंस डाइट, मेंटेन हेल्दी डाइट, कीप योर एनर्जी लेवल अप, यानी अच्छे आप अपना जो डाइट है वो हेल्दी डाइट लें, अच्छी चीज़ें खाएं, रेगुलर ब्रेक्स, टेक रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आपको अपना जो टाइम है वो भी लेना है, आपको रेस्ट भी करना है, आपको अपने आप इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टे मोटिवेटेड, गोल सेटिंग, कीप योर यू अल्टीमेट गोल्स इन माइंड, वेदर इट्स अ पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच, ठीक है। आपको गोल्स सेट करना है, लाइक आपने आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस कॉलेज को टारगेट करना है, ठीक है, उसके लिए आपको एक गोल सेट करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टडी ग्रुप्स, ज्वाइन ऑन फॉर्म स्टडी ग्रुप्स फॉर मोटिवेशन एंड क्लैरिफाइड डाउट्स। आप ग्रुप्स में इसका मतलब ये है कि आप ग्रुप्स में जब पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स होते हैं वो भी वहाँ पे आपके क्लियर होते हैं, प्लस आपको मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे को देख के, ठीक है। सो इसके लिए बोला गया है कि स्टडी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर आता है मैनेज स्ट्रेस, यानी अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है,
रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हो आप, योगा मैनेज योर स्ट्रेस, पॉजिटिव माइंडसेट, यानी आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो सच में ही बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आपको अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेज तो करना ही है, प्लस आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है हर टाइम, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, ठीक है, सिलेबस को कवर करते टाइम आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। 10th पॉइंट आता है सीक हेल्प व्हेन नीडेड, यानी आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो अपनी IIT की प्रिपरेशन में, इफ नेसेसरी कंसीडर एनरोलिंग इन कोचिंग क्लासेस फॉर एक्सपर्ट गाइडेंस, यानी आपको वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर आपके मॉक टेस्ट होता है, प्रॉपर आपकी क्लासेस होती हैं, प्रॉपर आपका सिलेबस कवर होता है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट गाइडेंस होता है, मतलब आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड होता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आप ले सकते हो, लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप अपनी क्लासेस ले सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी प्रैक्टिसेस को कर सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो यही था जहाँ हमने बात करी स्ट्रैटेजी फॉर IIT एग्जाम, यानी किस तरीके से किन किन पॉइंट्स को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने एग्जाम के टाइम, और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करते हैं, क्या 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 स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात करी। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। तब तक के मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।